और कुछ खबरों का रुख करते हैं। खबर एक नज़र के तहत लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है। नेपाल की तरफ से हुई पत्थरबाजी में सीमा पर तैनात एसएसबी के जवान और तहसीलदार घायल हुए हैं। कई अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। बसीही चेक पोस्ट के पास नेपाल में काफ़ी समय से पुल बनाने की कोशिश नेपाल यहाँ कर रहा है। भारत ने इस पर एतराज़ जताया है। भारत इस पर कई बार एतराज़ जता चुका है। गुरुवार को भी एसएसबी ने नेपाल के नागरिकों को पुल बनाने से रोका और इसके बाद नेपाल की तरफ से एसएसबी पर पथराव शुरू हो गया। नेपाल की तरफ से फायरिंग भी की गई जिसमें कई जवान घायल हुए। मुजफ्फरनगर में महिला से छेड़छाड़ और मारपीट को लेकर गुस्साए गांव वालों ने हाईवे जाम कर दिया। पुलिस को जाम हटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। भैंसी गांव के कुछ युवकों ने एक युवती के साथ छेड़खानी की। आरोप है कि विरोध करने पर युवती को पीटा गया और उसके गहने छीन लिए गए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गाँव वालों ने दिल्ली देहरादून हाईवे जाम कर दिया। दिल्ली में एक बार फिर एटीएम से 2000 रुपए का चूरन वाला नोट निकला है। ये मामला साउथ दिल्ली के लाजपत नगर का है। चंदन राय नाम का व्यक्ति 7 मार्च को आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से पैसे निकालने गया था। चंदन की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। भोपाल के बिलखीरिया इलाके में सीएपीटी यानी सेंट्रल एकेडमी ऑफ पुलिस ट्रेनिंग की बन रही इमारत भरभरा कर गिर गई। मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 महिलाओं समेत 16 से ज्यादा लोग घायल हो गए जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। ये बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने पुलिस के पहुंचने से पहले ही घायलों को अस्पताल पहुंचाना शुरू कर दिया था। बताया जा रहा है कि ये हादसा 3री मंजिल पर पिलर में कंक्रीट भरने के दौरान छत गिरने से हुआ। इस दौरान छत पर 3 महिलाओं के साथ करीब 24 मजदूर मौजूद थे। दिल्ली में मेट्रो की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। घटना जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन की है। मेट्रो सामने से आ रही थी और इसी दौरान 50 साल का एक शख्स अचानक ट्रैक पर जा गिरा। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम सुरेंद्र सिंह है। ये बताया जा रहा है कि इसे मिर्गी की बीमारी थी। मिर्गी का दौरा आने पर वो खुद को संभाल नहीं पाए और नीचे गिर गए।